कि क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपके दौर से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज भी हम बनाएंगे बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल जो कि आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। तो चलते हैं हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ। बालों को हमने अच्छी तरह से कॉमिंग कर ली है। फ्रंट वाला पार्ट जो है सारा ऊपर की तरफ बालों को ले गए हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरीके से। और जी, इस तरीके से ले जाके हमने इतने बार उठाने के बाद ये मैंने जो रबर बैंड है वो अपनी फिंगर में एडजस्ट की है, ताकि मैं एक एक करके वन बाय वन करके देती जाऊंगी। और ये सबसे इजी तरीका है रबर बैंड को जो है ना वो सेव करने का, क्योंकि आपने हाथ भी बात करते वक्त आपके हाथ भी हिल रहे होते हैं और फिर ये सेफ होती है इस तरीके से। अच्छा जी, चले जी, यहाँ पे हमने जी रबर बैंड लगा लेनी है। ये देखें, हम शॉकिंग पिंक कलर की रबर बैंड लगा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था आज जरा ये कलर लगाने को, और ये बालों पे अच्छा भी लगेगा काफी। आपने बताना है कैसा लग रहा है ये कलर, ठीक है? फाइनल लुक में आपको अच्छे से दिखाऊंगी, फिर आपने मुझे बताना है। अब जी, इस छोटी सी पोनी टेल को जो है वो हम कॉम कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, कॉम कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है? लेफ्ट साइड से हमने इतने बार उठा लेने, इतने बालों का सेक्शन जो है ना वो हमने उठाना है, और फिर इन बालों को हमने सेट करना है कॉमिंग की मदद से। इस साइड से ये हमारी राइट साइड है, इस साइड से भी हम बाल उठाएंगे। चलेंगे तो जी, हमने बाल उठा लिए दोनों साइडों से, इनको कॉम कर रहे हैं हम। अच्छे तरीके से कॉम करेंगे। बाल लंबे हैं इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, जब बालों को इधर उधर उठाना होता है ना, बाल जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं। बाल भी परेशान होते हैं जब बालों को हम इधर से उधर करेंगे। जब बाल अपनी जगह पे रहते हैं तो वो ठीक रहते हैं, जब हम उनको इधर से उधर करते हैं फिर बहुत टेंशन होती है। चलें, ये खैर हमने ढाई बाल दोनों साइडों से, और जी रबर बैंड लगा देंगे, उसको भी रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड हम लोग एक ही कलर की यूज कर रहे हैं, आपका जैसे दिल चाहे वो लगा सकती हैं आप लोग, अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, एंड सेम कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से टाइट करके लगा लेंगे। बालों को कॉम कर लेंगे अच्छी तरह से। क्या वार्म करेंगे तो इससे जी
इनको ऐसे ट्विस्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, बड़ा डिफरेंट सिंपल और अच्छा हेयर स्टाइल है ये, बहुत क्यूट और डिसेंट लगता है ये किया हुआ। आप लोगों ने ये मस्ट ट्राई करना है और आप लोगों को जरूर ये जो है ना वो किया हुआ भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये हमने सारा जो है ना वो ट्विस्ट कर लिया इस तरीके से, घुमाएंगे हाँ जी पटक पटक के, हाँ पटक पटक के करेंगे। ये देखें ये एक हमने सिक्कों वाला काम इधर बना दिया है। हाँ जी, और वैसे बैठे इसको अब हम कमेंट करते हैं। अब जो बार हमारे बाकी रह गए हैं आजाद उम्मीदवार जो हैं, इनको कॉमिंग करेंगे अच्छी तरह से, फिर वो जैसे बैंगन का भरता बनता है ना, हम अपने बालों का भरता बनाएंगे। बालों का भरता, इस हेयर स्टाइल का नाम है बालों का भरता। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा किया हुआ। और हम ऐसे खुले भी छोड़ सकते हैं बाल, हाँ बिल्कुल ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। अब ओपन नहीं अच्छे लग रहे आप लोगों को तो पोनीटेल कर दे। सिंपल हल ये है, रबर बैंड लगाए सारे बालों को, पोनीटेल कर दे इस तरीके से। ये मुंह पे पोनी लगा दें और यहाँ से इन दोनों को एक इनके दो सेक्शन में करें। ये जो पोनीटेल की है ना, इस पोनीटेल को सिंपल हम सारी को ट्विस्ट करेंगे, इसके दो हिस्से वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको एक सेक्शन में यहाँ यहाँ। अच्छा मैं ऊपर हाथ रख रही हूँ, यही होता है जब आपको नजर ना आ रहा हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या है। ये बड़ा क्यूट सा ना, हमारे दो बन बनने वाले एक साथ, एक ही हेयर स्टाइल में दो बन बनेंगे और ये बड़े अच्छे लगेंगे किए हुए, बड़े आपको एक यूनिक सी लुक दे देंगे। बड़े हर कोई पूछेगा कि ये हेयर स्टाइल आपने कहाँ से सीख ली है, ये है क्या चीज। डबल जोड़े देखें और इनको जरा सजावट करते हैं। चलें जी आप देखें, आप घुमाएं दोनों तरफ से दिखाएं। ये देखें साइड से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें दोनों साइड से दिखा कर। बाय बाय। ओके चले जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यूनिक सा हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। दुआ में याद रखना।